फर्जी दस्तावेज लगाकर सिम लेने के मामले में सोमवार को कानपुर के बिकरू कांड आरोपित अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की किशोर न्याय बोर्ड में पेशी हुई। पेशी के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से SIT रिपोर्ट न होने की दलील दी गई, जिसके चलते न्याय बोर्ड ने केवल आरोपित का बयान दर्ज किया और सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल आरोपित अमर दुबे की पत्नी पर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर सिम लेने का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड की तरफ से जब थाना अध्यक्ष कृष्ण मोहन रॉय से आरोपित के नाबालिग होने के बाद भी बालिग जैसा व्यवहार करने का कारण पूछा गया, तो इस सवाल पर थाना अध्यक्ष अलग अलग दलीलें देने लगे। करीब 2 घंटे चली बहस के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से तो कई तर्क दिए गए, लेकिन आरोप लगाने वाले पक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अपना पक्ष रखते हुए खुशी ने थानाध्यक्ष कृष्ण मोहन रॉय से पूछा कि आपने तो कहा था हमें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, आप चुप क्यों हैं जनाब, जवाब दीजिए। खुशी के इस तीखे सवाल के बाद थानाध्यक्ष ने सिर झुकाकर चुप्पी साध ली और खुशी को कोर्ट पर भरोसा रखने को कहा। इसके बाद आरोपित की पत्नी न्यायालय परिसर में ही रोने लगी। ये पूरा मामला किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। वहीं खुशी के अधिवक्ता शिवकांत ने बताया कि पुलिस ने खुशी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है वो न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी तरह से गैर कानूनी भी है। इस पूरे मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। फर्जी सिम का कोई भी मामला खुशी पर नहीं बनता। पुलिस ने केवल बदले की भावना के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की है और उसे इस मामले में घसीटा है। खुशी बिकरू कांड में पूरी तरह से बेगुनाह है।